हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। आज एक यूनिक चीज़ बनाएंगे। जो मूर्ति पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था, इसका पूरा डिटेल बना के दिखाया था, इसका हम लोगों ने आज मुकुट बनाएंगे, जो क्राउन होता है ना। ये क्ले में कैसे बनाएं? हम लोग तो मोल्ड देखते, छाँच जो बोलते, तो मोल्ड में हम लोग देखते, डाई में, लेकिन ये डाई कैसे बनाए, उसको कैसे मतलब तैयार कैसे करें? तो जैसे एक मेजरमेंट ले लिया, पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मोटा मोटी एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि किस साइज का हिसाब से कैसा होना चाहिए, किस डिज़ाइन हमने करना है। तो पेंसिल से एक रफ स्केच बना लेता हूँ, ठीक है ना। जैसा आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जैसा 16 का क्राउन होता है, एक पेपर का क्राउन होता है, ठीक है ना। तो आजकल बहुत सारा अलग अलग टाइप का मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्ले का भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बन सकता है ना। आज भी यूज भी होता है, बहुत अच्छा क्ले का ज्वेलरी होता है, उसके ऊपर गोल्डन कलर चढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, एकदम रियल गोल्ड ऑर्नामेंटेशन का बन जाता है। तो इसको कैसे बनाए? बहुत इजी तरीका से एक टाइप का फॉर्म लेके आपको पूरा ये क्राउन में बना के दिखाता हूँ, और इसका मोल्ड करके मोल्ड से कैसे निकालते हैं ये पूरा मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले ये देखिए, पतला सा कॉइल आपको बनाना पड़ेगा। अभी ये कॉइल से यहाँ पे एक मेन चीज है, जो जैसा दो साइड आप करेंगे तो दो साइड का सेम साइज होना चाहिए, तो ये सिमिलर होगा। देखिए मेरे से गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं जल्दी थोड़ा जल्दीबाजी तो हो रहा है, तो इसमें दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कितना सिंप्लीफाइड वे पे आप लोग ये बना सकते, घर में भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मोल्ड कैसे लो, मतलब डाई जैसा बोलते इसको, रिप्रोडक्शन मतलब आपके पास 10 पीस चाहिए, हाँ, एक साल बनाने के बाद उसको 2 साल के लिए रखना चाहिए, तो आप कैसे करें, ठीक है ना। ये जैसा मैं क्राउन के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये क्राउन नहीं, आप इसमें बड़ा मूर्ति होगा तो इसमें गले में लॉकेट जैसा यूज़ कर सकते, हाथ में यूज़ कर सकते, है ना। तो इस डिज़ाइन को काट पीट करके इसको हर जगह में आप यूज़ कर सकते, ठीक है ना। जैसा दोनों साइड आप उसको कटिंग कर दीजिए, सिर्फ सेंटर वाला पोजीशन को लीजिए, ऐसा करके आप यूज कर सकते हैं हर जगह में। तो ये देखिए छोटा छोटा एक ये जो मोटिव मैं बना रहा हूँ, सेम वो मोटिव लेके आप इस पूरा डिजाइन को आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन धीरे 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 आप जब बनाएंगे, जब कंप्लीट होगा, ये बहुत यूनिक, बहुत अच्छा सुंदर एक क्राउन बन जाएगा। अभी तो लग रहा है जैसा फ्लावर का क्राउन होता है ना, इस टाइप का लग रहा है ना। ये क्राउन बनाने का बाद आप लोग इसको कलर करेंगे, गोल्डन कलर करेंगे, तो एकदम पूरा लगेगा क्या ये गोल्ड क्राउन है। आप कोई भी मटेरियल में इसको कास्टिंग भी कर सकते, जैसा मैं डाई बनाऊंगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड करेंगे, तो वो मोल्ड से आप दूसरा कोई मटेरियल से भी आप कास्टिंग कर सकते, तो वो घर में भी रख सकते, दूसरा कोई मतलब यूज भी कर सकते। देखिए एक ही टाइप का फॉर्म मैंने यूज कर रहा हूं, आप लोग ये फॉर्म को अलग अलग फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते, जैसा कुछ लंबा टाइप का हो गया, कुछ जो आगे का तरफ जो है वो भी छोटा हो जाए, पतला हो जाए, लेकिन दोनों साइड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों साइड आपको सेम रखना पड़ेगा, तभी ये सुंदर लगेगा,
खाली जो स्पेस है यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा राउंड टाइप का कुछ दे देता हूँ। जस्ट ये प्रैक्टिस हो जाए, ये आपका ये 10 मिनट का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी छोटा ये टूल्स लेके आप इम्प्रेशन दे देते, कुछ टेक्सचर दे देते, क्योंकि थोड़ा फ्लैट लग रहा है, थोड़ा मोनोटोनस लग रहा है ना, एक ही टप 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 के लग रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ लाइन डाल देते तो थोड़ा डायमेंशन अलग हो जाएगा। ये बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा अच्छा ये डिज़ाइन हो सकता है। मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए बहुत आसान एक तरीका आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग फ़िलहाल घर में ये बना के आप खुद का जो मूर्ति बनाया तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ एक लाइन क्वाइल डाल देता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा और एक फ्रेम टाइप का भी बन जाएगा। इसको फिनिश करके कुछ डॉट डाल देता हूँ, कुछ राउंड टाइप का, अच्छा लगेगा। ये बहुत सुंदर बन सकता है, इससे भी बहुत अच्छा बना पाएंगे आप लोग। आप लोग फिलहाल जब ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग का टाइम एक दिमाग से कुछ सोच लीजिए, नेट से कुछ देख लीजिए, कुछ इमेज आप लोगों का दिमाग में भी होगा तो वो भी ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद धीरे 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 उसके ऊपर जो कॉयल मैंने बनाया, इस टाइप का कॉयल बना के धीरे 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 आपको बनाना चाहिए और दोनों साइड सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। आप बनाइए, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। और मोल्ड का मैं तरीका मैं दिखाता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा ब्रशिंग कर लेता हूँ, थोड़ा पॉलिश कर देता हूँ। जैसा कहीं कहीं पे लाइन का जरूरी है कहीं पे, तो ये लाइन डाल के ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले पानी दे दीजिए, उसके बाद पेरिस को डालिए। पहले पतला होना चाहिए, ये देखिए पतला, एकदम पतला करके छीटा लगाइए उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं दिया, थोड़ा सा जल्दीबाजी किया मैंने, बॉर्डर भी देख दे सकते हैं, वेस्टेज नहीं होगा। उसके ऊपर थोड़ा गाढ़ा बनाइए, ठीक होगा, इसको दीजिए बहुत समक। अभी नारियल जो जूट है, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसको हल्का करके इसके ऊपर दे दीजिए, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, जो आपका मोल्ड है ना ये टूटेगा नहीं। ठीक है, बस अभी देखिए सूख गया, अभी उठा लेता हूँ, अभी अंदर पूरा हटा देता हूँ धीरे धीरे। ये संभाल के करना पड़ेगा क्योंकि आपका कहीं पे पीओपी का हिस्सा टूट ना जाए, टूट जाएगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, तो बहुत संभाल के इसको साफ करना पड़ेगा। तो ये सफाई हो गया, अभी मिट्टी का स्लैब बना के फिर से इसको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा पूरा, मतलब जहाँ पे आपका डिज़ाइन है वहाँ पे हल्का करके इसको प्रेस कीजिए। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये मोल्ड टूट जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पतला मोल्ड है, ज़्यादा मैंने मोटा नहीं किया। और प्रेस करके एकदम पूरा लेवल करके प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेस करके मतलब कोई जगह खाली ना रह जाए, बस ये पत्ती से इसको ऊपर वाला हिस्सा एकदम स्मूथ करके एक्स्ट्रा जो मिट्टी है इसको हटा देता हूँ, हो गया। अभी ये उठाने का तरीका थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा आपको, ये मिट्टी से ही थोड़ा चिपक के इसको उठाना पड़ेगा, ये देखिए ये। अभी पहले साइड साइड इसको उठाना है,
ये धीरे धीरे, ये पतला है ना आपका, तो ये टूटने का डर है, तो धीरे 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 ये उठ गया। ये देखिए कितना अच्छा है ना। अभी इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना। अभी इसको गोल्डन कलर करेंगे तो आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा। ये जब गीला रहेगा उस टाइम लगाना पड़ेगा, है ना। मेरा मूर्ति सूख गया फिलहाल। तो फ्रेंड कैसे लग रहा है, आप लोग भी बनाइए। थैंक यू।